नमस्ते। आज का दिन हमारे लिए, नाटक जगत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये जो अभिक भट्टाचार्य का जो भावना थिएटर है, वो आज की तारीख में 27 जुलाई 2011 में उनका जो काम शुरुआत किया था, उसका जन्मतिथि है। उसके अवसर पर हम सब लोग नाट्यग्राम से नाट्य चेतना का हार्दिक स्वेच्छा ज्ञापन करते हैं। अभिक हमारे दुख के घड़ी में भी साथ दिया, वो हमारे साथी है और नाटक जगत का भी साथी है। ये हमको जानना चाहिए कि नाटक के जो एक्टर्स, डायरेक्टर, जो काम करने वाले जितने सारे लोग, नाटक मंचन से पहले ही वो जिंदा होते हैं और नाटक के बाद वो मरते हैं। हमारा शरीर चला जाएगा, लेकिन नाट्यकार का नाटक और जितने सारे समालोचक, जितने सारे ऐसे लिखने वाला लोग हैं, वो हमको जिंदा रखेंगे। तो हमको जिंदा रखने के लिए अभिक और भावना थिएटर को बहुत बहुत कृतज्ञता। इसीलिए ही हम हजार साल पुराना स्क्रिप्ट हम देख सकते हैं और परिकल्पना कर सकते हैं। हम तो चले जाएंगे, हम तो मर सकते हैं, लेकिन हमारा परिकल्पना, हमारे चिंतन, हमारे सोच, हमारा नाटक का कुछ प्रमाण, फोटोग्राफ में हो, जो भी है, आर्टिकल में हो, आलोचना में तौर पर विश्लेषण भी हो, ये सब जिंदा रह सकता है, वर्षों पुराना हो सकता है और आगे का पीढ़ी को कुछ दर्शन दे सकता है, कुछ मदद कर सकता है, ताकि इन्होंने और बार बार को जो भूल हम कर चुके हैं, वो भूल को रिपीट ना करें। तो ये नाटक का अग्रगति के लिए बहुत बड़ा भूमिका है। तो ये सबको मानते हुए, जैसे कि भावना थिएटर और अभिक ने जैसे डेडिकेट किया है इस दायित्व लेने के लिए, वो हमारे जगत के लिए बहुत बड़ा गुरुत्वपूर्ण है। इसीलिए सबको बधाई, अच्छे रहिए, सुस्त रहिए और काम आगे रहिए। अभी का जो समय आया है कोरोना का, उसमें हम सब लोग रुक चुके हैं, लेकिन उनका कलम नहीं रुक सकता, कोई उनको रुका नहीं सकता। तो जय हो।